ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 14 जनवरी 2021, थर्सडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है। कल हमने देखा निफ्टी 14,600 के लेवल से रेजिस्टेंस लेकर एक तो छोटा सा करेक्शन निफ्टी इंडेक्स ने कल हमें दिखाया। क्या एक करेक्शन एक्सटेंड होगा, कहाँ पर सपोर्ट के लेवल से, कहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 13 जनवरी, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,600 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,527। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ब्रेकआउट लेवल के काफी ऊपर ओपन हुआ। तो यहाँ पर शुरू में तो काफी ट्रेड नहीं बनता, यहाँ से जैसे ही इसने करेक्शन स्टार्ट किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने बाउंस बैक दिखाया और फर्स्ट टारगेट के पास एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस बैक किया। ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काफी टाइम काम करते हैं। तो यहाँ पर इसने 50 EMA के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर से जब यह टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 14,508, सेकेंड टारगेट 14,488, ये भी अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। अभी 5 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बन सकता है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी है। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये होता है लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये होता है हेड, और अभी ये यहाँ पर ये रेड राइट शोल्डर यहाँ पर ये बन सकता है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद ये नेक लाइन को अगर ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, तो यहाँ से फिर से हमें अपसाइड मूव तेजी से आते हुए दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता है, ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली। कल अमेरिकी बाजार देखे नाजदैक तो फिर से एक बार बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आया, 56 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट साइडवेज पैटर्न में यहाँ पर चल रहे। एशियाई बाजार देखे तो SGX निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, वही जापानीज इंडेक्स काफी मजबूती दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो यहाँ पर अभी ये फिलहाल एक साइडवेज ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। ये जो बोरिंग कैंडल बनाया था उसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, चौथा दिन चल रहा है। तो यहाँ पर US मार्केट में साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में जैसे कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करके चल रहे हैं, आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। तो 150 पॉइंट लेवल है, ये 150% का ये जो लेवल है 14,600 के पास, कल इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, गैप अप होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से एक हमें करेक्शन आता हुआ नजर आया। तो नीचे इसने ऑलमोस्ट 14,500 के पास एक सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश की और यहाँ पर हैंगिंग मैन जैसा फिर से एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न इसने बनाया। हमने पास्ट में भी देखा है यहाँ पर हैंगिंग मैन जैसे कैंडल बन रहे हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। कंफर्मेशन के लिए ये जो लो होता है इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये लो ब्रेक करने के बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा कि ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, फिर यहाँ से करेक्शन और गहराता हुआ नजर आ सकता है।
निफ्टी काफी एक्सट्रीम बुलिश है, तो इजीली ये हैंगिंग मैन कैंडल का हाई ब्रेक करके और ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वेट करना होगा जब तक ये लो को ब्रेक नहीं करे, सस्टेन नहीं करे इसके नीचे, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है। इस समय हमने कल देखा था कि मंथली चार्ट में 15,000 के टारगेट्स देख रहे हैं, 100% का लेवल मंथली चार्ट में 15,000 के आसपास आ रहा है। तो आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। चलते हैं आर्ली चार्ट में। आर्ली चार्ट में अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अगर ड्रॉ करें, ये लो और ये हाई पकड़ के, तो आप देख सकते हैं कल इसने ऑलमोस्ट ये जो 38.2% का लेवल था इसी के आसपास इसने आकर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया। तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स बढ़ता है तो ये जो लेवल है यानी 14,590, हमने 5 मिनट के चार्ट में देखा कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। तो नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद अगर 14,590 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,612, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,633, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, जब तक फिर से ये नीचे की तरफ आकर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक ना करे तब तक यहाँ पर पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के बाद ट्रेड करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर फिर से एक बार पिवट पॉइंट को अगर ब्रेक करता है यानी ऑलमोस्ट 14,543 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जो राइट और लेफ्ट शोल्डर देखा उसका ये जो नीचे का लोअर बैंड था वहाँ पर ही 14,543 का लेवल आ रहा है, तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,522, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा जस्ट अबाउट 20 AMA यानी 14,503, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।